अरे भाई दुकान पे कोई है? जी संध्या जी, आप घर जाइए, मैं ये साफ कर लूंगा। जाइए आप। आइए ना, बैठी बैठी। इससे बढ़िया साड़ी आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगी। A1 साड़ियाँ दिखाती हूँ, रुकिए। ये है बंबई की बड़ी ही ये देखिए फेमस मार्केट की साड़ी। कितनी खूबसूरत साड़ी है। और ये कारीगर को 4 दिन लगे थे और बिल्कुल करीना कपूर जैसी लगेंगी, चमक छल्लो वाली। अरे भैया रुकिए, दुकान आ गई। और मैं और दिखाता हूँ, एक मिनट। कितनी सुंदर है जी, जरा देखो तो सही। जेठानी जी कैसे दुकान को घूर घूर के देख रही हैं। अरे रे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नजरों से दूर से अंदाजा लगा रही है कि हमारे गल्ले में कितने पैसे आ जा रहे हैं? हाँ, आप बिना कुछ भी बोलते थे, इतनी दूर से कैसे दिखेगा? मैं थोड़ा सा मारती हूँ। बीनी जी, जी भाभू, दुकान का सारा काम ठीक से कर कर आई है ना? कोई पटका पछाड़ कर तो ना आई है? जी वो जा रसोई में जाकर नींबू लेकर साड़ी पर रगड़ दे, तेल का दाग छूट जाएगा। दाग ज्यादा गहरा हो गया तो ना छूटेगा। जी। और हां, साड़ी बदलकर नीचे आ जाए, बहुत सारी पुरानी ऊन पड़ी है, ठंडी भी आ रही है। अगर तू ठीक समझे तो सूरज के लिए स्वेटर तू बुन दे। चतुरी, घर में घी खत्म हो गया क्या? ये क्या रोटी लेकर आई है? अरे घी नहीं लगा इस पर, गले से नीचे नहीं उतरेगी मेरे। जा घी लेकर आ। बेटा घर में घी खत्म हो गया है, अगर थारे गले से सूखी रोटी ना उतरे ना तो एक काम कर, आता आता बाजार से 15 किलो घी का डब्बा लेकर आए। तो रोटी पर चुपड़ने की बात करे हैं, मैं तो थारी रोटियां घी में डुबो डुबो कर दूंगी।